तो वेलकम माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग कुछ नया सीखने के लिए तैयार है और मुझे अच्छा लगता है कि आप जब कमेंट्स करते हैं और मैं आज एक कमेंट्स का रिप्लाई देने वाला हूं। यस हाय, दिस इज राज द बिजनेस एडवाइजर एंड मार्केटिंग ट्रेनर। माय डियर फ्रेंड, मुझे एक जन बैंगलोर से कमेंट किए हैं। उन्होंने पूछे, सर मेरा बाइक का गैरेज है और बाइक के गैरेज में जहाँ पर रखा हूँ वहाँ पर 50-60 गैरेज पूरे लाइन में है और मेरा काफ़ी बढ़िया बिजनेस चल रहा था और लगभग 2-3 महीना हो गया मुझसे बिजनेस नहीं हो रहा है या मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ कमेंट है स्क्रीन में देख रहे हैं आप लोग, राइट। तो एक कमेंट का रिप्लाई देने के लिए सिर्फ ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड, अगर आपने भी इस तरह प्रॉब्लम फेस करते हैं तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको फिलहाल देने वाला हूँ। यस फ्रेंड, सबसे खास बात क्या जानते हैं, जब बिजनेस आप करते हैं तब बिजनेस पे इतना मान के चलिए आपको कंपटीशन से फेस करना ही पड़ेगा। आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा क्योंकि बगैर कंपटीशन में कोई बिजनेस आज तक नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है, सुई से लेकर एरोप्लेन तक जो भी सोच लीजिए आपने, हर एक बिजनेस में कंपटीशन है और इसी बिजनेस का कंपटीशन भी है। और आपको सोल्यूशन आज कंप्लीट देने वाला है, इसीलिए कंप्लीट वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगता है तो सभी को शेयर भी कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे जाकर आपका कमेंट का रिप्लाई भी बाय थ्रू द वीडियोस आपको मिलने वाला है। ओके, तो कंप्लीट मजा लीजिए एंड सीखिए। अगर आप सीखेंगे नहीं तो माय डियर फ्रेंड बिकेंगे नहीं, आप बिक नहीं बेच नहीं सकते कोई भी चीज़ें, इसीलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक बार सीख लेते तो बहुत कुछ आप बेच सकते हैं, राइट। तो आपके लिए स्पेशल आज का टॉपिक है हाउ टू फाइट ए कंपटीशन। कंपटीशन से आप अपने आप को कैसे फाइट करेंगे, अपना बिजनेस को एक लेवल में कैसे लेके जाएंगे और एक सस्टेनेबल बिजनेस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके ऊपर कंप्लीट जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो कंपटीशन जब आता है आपके बिजनेस में, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर काम करना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाएंगे, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। आप एक बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं जो कि बाइक गैरेज की, और हर एक शहर में हो, छोटे हो, बड़े हो, बड़े शहर में हो, छोटे शहर में हो, सभी जगह में बाइक का रिपेयरिंग सेंटर काफ़ी जगह में है और कंपटीशन भी है। इस तरह लोग सोचते हैं भाई कुछ प्राइस में कम कर दिया जाए, कुछ लोगों को हम इसे क्या हिप्नोटाइज कर दिया जाए, तो ऐसे हो नहीं सकता है। सिंपल, अगर आप प्राइस में कम करेंगे तो आपका बिजनेस होने वाला नहीं है। दूसरी बात है हिप्नोटाइज, आप हिप्नोटाइज करके कितना दिन तक लोगों को रखेंगे, ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाएंगे। इसलिए फ्रेंड आपको ये सारी चीज़ को हटाना पड़ेगा। कुछ नया चीज़ें बता रहा हूँ आपको, याद रखिए, अगर आपका बिजनेस में कुछ ऐसा कंपटीशन आ रहा है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कंपटीशन आने का वजह क्या है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा बिजनेस ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं बिजनेस कर चुके हैं और आप वहाँ पर नए हैं या पुराने हैं, वो आपके ऊपर है, राइट। तो आपको यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ें करना है, पहले लोगों को अट्रैक्ट करना है। अच्छा भाई, अट्रैक्ट कैसे करेंगे, आपके माइंड में ये आता है ना भाई, लोगों तो अट्रैक्ट करने के लिए बाइक गैरेज में क्या हो सकता है। देखिए, बाइक गैरेज में अट्रैक्ट करने की चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपने जो जहाँ पर बाइक गैरेज रखे हैं, मैं आपको छोटी सी चीज़ें बता रहा हूँ, आप जहीं पर भी किए हैं ना, आपको लगता है भाई मेरे से बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, उसी बाइक गैरेज में एक बढ़िया सा म्यूजिक बॉक्स सेटअप कीजिए। म्यूजिक बॉक्स सेटअप कीजिए और एकदम रोमांटिक वाला गाना लगाइए और वो गाना सुनकर काफ़ी सारे लोग वहाँ पर अटक जाएंगे, इतना याद रखना। क्योंकि गाना सुनने के लिए लोग, देखिए बाइक रिपेयरिंग तो कराएंगे आपसे नहीं तो और किससे कराएंगे, वो कराते भी, राइट। तो आपसे क्यों कराएंगे, आपके पास कुछ यूनिक होना चाहिए। मैं ऐसे आपको बताया कि बाइक रिपेयरिंग में आप पहले अट्रैक्टिव के लिए अपना होम थिएटर फिक्स कीजिए, म्यूजिक बॉक्स फिक्स कीजिए, देखेंगे उसी गाना को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अट्रैक्टिव करना ज़रूरी है। दूसरा, आपने न्यूज़पेपर कुछ मंगा के रखिए। जब आपने गैरेज रखे हैं 2-3 तरीके का अलग अलग न्यूज़पेपर, तो आपने वहाँ पर रख सकते हैं जहाँ पर लोग बैठते कोई सर्विसिंग कराता है, तब समय वो खाली बैठेगा। आपको पता सही है कि हाँ लोग आज पेपर नहीं पढ़ते, फिर भी आपको रखना है क्योंकि कभी किसका दिल भटक जाए, भाई चलो आज पेपर में क्या है देख लेते हैं, तो आपको रखना भी बहुत ज़रूरी है।
तो ये बात को याद रखना पड़ेगा, वो चीज़ें करना पड़ेगा। ओके, स्टेप थ्री में जाएंगे अभी। कस्टमर को बैठने के लिए बहुत बढ़िया प्लेस की ज़रूरत है, जो कि सभी गैरेज में नहीं होता है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी आपने जो सेटअप लगाया है, जो गैरेज लगाया है, वहाँ पर मिनिमम 10 जन को बैठने जैसा कुछ सीट्स है आपके पास। अगर नहीं है तो कीजिए, करके देखिए क्या आता है। क्योंकि लोग जो आएगा गाना सुनेगा या मोबाइल में भी वो अपना काम करेगा या न्यूज़पेपर भी देखेगा। तो बैठना बहुत ज़रूरी है, खड़े खड़े कितना जैसे को सस्पेंस कर सकता है। तो थोड़ा सा हट के करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, राइट। तो ये तीन चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है करना। चौथा चीज़ें क्या है, कस्टमर को फैसिलिटी दीजिए, कम से कम चाय और पानी का फैसिलिटी। आसपास दुकानें हैं तो अच्छे हैं, नहीं है तो अपना एक छोटा सा पानी का कैन और इसके साथ चाय का छोटा सा मेसिन मिलता है तो वहाँ पर फिक्स कीजिए। आप देखेंगे वहाँ पर कस्टमर, अगर कोई कस्टमर चाय पिएगा तो आपको मना थोड़ी करेंगे, कितना 5-10 रुपये के आता है चाय भाई, वो आपसे सर्विस करेगा 200-250-300 रुपये लेंगे आप। तो एक छोटा सा तो उनको अनाउंस तो दे सकते हैं ना, भाई सब ये चाय ऐसा ले लीजिए, सर चाय पीजिए, एक बार बता सकते हैं, राइट। उस ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर इतना करते हैं, कस्टमर दोबारा अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना, वो आपके पास आएगा, आपके पास आएगा और आपसे आपसे ही सर्विस कराएगा। अगर ये सारे फैसिलिटीज आपके पास नहीं है तो कस्टमर बस कभी यहाँ तो कभी वहाँ, क्योंकि कस्टमर कभी वो चाहता है ना कुछ अच्छा फैसिलिटी मिले, राइट। तो ये जो तीन चार चीज़ आपको करना है। और सबसे बड़ी बात है आपका बोली, आप कैसे उनको ट्रीट करते हैं, आप कैसे उनसे बातें करते हैं, कैसे उनसे आप डील करते हो, सबसे बड़ी बात है। अगर आप सीखना चाहते हैं अपना सेल करने का तरीका, बातें करने का तरीका, और इसके साथ कैसे कस्टमर को बार बार कैसे एंगेज किया जाएगा, तो इसीलिए तो नीचे दे दिया लिंक पर क्लिक करके द 15 सीक्रेट ऑफ सेल्स आप सीख सकते हैं, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ आप कस्टमर आपके साथ रहेंगे, आपके पास वो कभी नहीं छोड़ने जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे आपके साथ, इतना गारंटी है। और इसके साथ फ्रेंड हम आपके साथ तो हर रोज़ है। अगर आपको कुछ ऐसा और कुछ सवाल रहता है तो आप मुझसे कभी भी कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं। और इसके साथ माय डियर फ्रेंड, अगर आप रियली में कुछ सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे प्रोग्राम द 15 सीक्रेट ऑफ सेल्स, जहां पर आपने सेल्स में मास्टर बन जाएंगे, राइट। अभी तक आपने जो वीडियो देखी इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आखिर में एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप सभी को शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा आइडिया और टिप्स, तो डेफिनेटली लाइक कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए नया अपडेट्स के लिए। अभी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।